पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई बनी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सबसे मोटा खर्च खेतों से उजाड़ी पकने की तैयारी, गेहूं की हरी फसल और टेंट लगाने पर हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों के वाहनों की पार्किंग के लिए शहीद भगत सिंह के स्मारक के आसपास लगते 45 खेत किसानों से किराए पर लिए हैं। इसके लिए उन्हें मुआवजे का आश्वासन दिया है। खटखड़ कला गांव में शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर 1 लाख लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। पंडाल में 40,000 कुर्सियां लगाने की प्लानिंग है। यहाँ 25,000 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी और खेतों में खड़ी गेहूं की हरी फसल को गुज्जर समुदाय के लोग अपने पशुओं के चारे के लिए काट कर ले जा रहे हैं। गेहूं की हरी फसल काट कर ले जाते गुज्जर समुदाय के लोग वहीं पार्किंग के लिए किराए पर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार है। हरी फसल कर काट कर गुज्जर समुदाय के लोग अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग करने के लिए ले गए। खेतों को खाली कर पार्किंग बनाई जा रही है। यह ठीक है कि पहली बार कोई पंजाब की सरकार राजधानी में गवर्नर हाउस के बाहर निकलकर पब्लिक के बीच शपथ ले रही है। इससे एक नए इतिहास के साथ साथ नई रिवायत भी शुरू हो रही है, लेकिन इसमें जो खर्च आ रहा है उसका बोझ भी लोगों के सर पर आने वाला है। किसान मांग कर रहे हैं कि 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा किसानों से खेतों को किराए पर लेने के लिए, हालांकि जिला प्रशासन ने एग्रीमेंट किया है, उन्हें फसल का उचित मुआवजा दिया जाएगा। कितना मुआवजा मिलेगा यह एग्रीमेंट में तय नहीं है। इसी बीच किसानों का कहना है कि उन्हें कम से कम 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा चाहिए, तब उनके खर्च पूरे होंगे और नुकसान की भरपाई होगी। किसानों का कहना है कि कुछ और खेतों को भी शायद प्रशासन एक्वायर करने जा रहा है। इन खेतों पर गन्ने के खेत है और उन खेतों का किसान और भी ज्यादा मुआवजे मांगेंगे। वहीं पहली बार पंजाब में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी से बाहर होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां भी वैसी ही की जा रही है। प्रशासन समारोह में 1 लाख लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी तरह से सारे प्रबंध भी किए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में वित्त विभाग ने भी फंड जारी किया। वित्त विभाग के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने उपायुक्त शहीद सिंह भगत सिंह नगर को 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।